मेरे पापा सक्सेसफुल होकर गर्व के साथ मुझे लेने के लिए नहीं आते, तब तक मैं और अरुण का इंतजार कर। बहुत हुआ तुम्हारा दिशा ये राम से ज्यादा फिर मिलना और उसे सपोर्ट करना। मिस्टर कपूर, मुझे लगता है कि आप चैलेंज भूल गए कि मुझे अपने पापा को सपोर्ट करना है, एट एनी कॉस्ट। यूरोप चलते हैं घूमने, और दीदी दिशा को भी साथ लेकर नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, आपके साथ मैं अपने पापा के साथ ही जाऊंगा। पापा आप जानते कि वो दोनों आपसे कैसे भी पेश आते, और वो गलती उनकी गलती आपकी। आखिर इतनी ही चिंता है आपको उन दोनों, तो क्यों मिलने देते हैं आप उन्हें राम से? I shot that. सर जी, ये ऑफिस से कुछ जरूरी पेपर्स आए हैं साइन के लिए। ये तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट के रिन्यूअल पेपर्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया सूरज। क्या हैव अ हैंड। सर खाना रेडी है। दिशा और आरू से कहो कि खाना रेडी। सर वो दोनों तो अभी तक नहीं आए। ठीक है तुम जाओ। हेलो दिशा, मैं बोल रहा हूं। बेटा हम सब तुम लोगों का डिनर के लिए वेट कर रहे हैं। मैं अपने पापा के साथ खाना खाकर आऊंगी, मुझे लेट होगा। बाय। पापा आप ठीक तो हैं? डैड आपको लगा तो नहीं? आई एम सॉरी, वो मेरा ध्यान कहीं और था। पापा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि गलती आपकी है, लेकिन आप सुनते ही नहीं। Just, that's enough. Enough is enough. Please, चाहिए आप लोग यहां से। Get out of here. Get out. मैं अपने पापा के साथ खाना खा कर रहा हूं। मुझे लेट हो। बाय बाय। हाँ भाई, तुम लोग अपना अपना कंपटीशन बंद करो और खाना खिलाओ। हाँ पापा। ये रही आलू मटर की सब्जी। और ये रही आलू मटर को मात देने वाली उससे भी बेटर शाही पनीर। टन टन मेड बाय ग्रेट शेफ अयान मेहरा। इतना ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है।
अभी पता चल जाएगा कि किसकी डिश ज्यादा बेटर है। हाँ पता चल जाएगा, देखते। अरे तुम दोनों आगे हो क्या कर रहे हो? मैं और राम डिसाइड करेंगे कि खाना किसका अच्छा बना, किसकी डिश सबसे अच्छी है। पापा प्लीज। अरे मेरे हिसाब से तो दोनों बहुत अच्छी बनी है यार, बस 19-20 का फर्क होगा। अरे अरे एक मिनट, 19-20 मतलब 20 कौन है? मैंने कहा ना दोनों ने लगभग सेम ही बनाई है। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कि दिशा की डिश सबसे अच्छी है। आया ने तो बहुत ही हैवी से बनाई है, मतलब वो पनीर ठीक से बने भी नहीं। पापा जल्दी से बता दीजिए ना कि आपकी बेटी ने बहुत अच्छा खाना बनाया, बता दो ना। मैंने ऐसे कब कहा, मतलब मेरी ज्यादा अच्छी है ना? ऐसे भी नहीं कहा है मैंने। बोलो राम, तुम्हें बोलना होगा कि दिशा की डिश सबसे अच्छी है, आई समझ में बात? क्यों भाई, शाही पनीर में क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं, तुम ना आयान की साइड ले रहे हो जबरदस्ती, और मैं जानती हूँ किस लिए, क्योंकि तुम्हें लगता है ना उसके बहुत एहसान है तुम पर, इसलिए तुम दिशा की साइड नहीं ले रहे हो। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत फेयर किस्म का आदमी हूँ, ठीक है? ऐसे ही किसी की तरफदारी थोड़ी करूंगा मैं, तुम कर रही हो दिशा की तरफदारी। मुझे दिशा की तरफदारी करने से क्या मिलेगा? और ज्यादा आलू मटर। वो तो है, पर तुम्हें बोलना पड़ेगा कि दिशा की डिश सबसे अच्छी है। हंसिए मत, यहाँ बच्चा भूखा बैठा है और आप लोग रेल दे। सॉरी यार, इससे कुछ नहीं होगा, कान पकड़ के बोलो जल्दी। सॉरी यार। खाना बनाने की क्या जरूरत थी? ऐसे कहिए, किसने कहा था स्टाइल से प्याज काटने का? हाँ वही, किसने कहा था स्टाइल से प्याज काटने को? अब नहीं मारूंगा स्टाइल। तुम्हारा बैंडेज बंद क्या है, अब देखना बंद करोगे? एनीवेज कल सुबह बैंडेज चेंज कर लेना, मैं चलती हूँ। कल सुबह आप नहीं आएंगे? बैंडेज चेंज करने? कुछ नहीं, वो मेरी उंगली कट गई थी तो दिशा जी पट्टी चेंज कर रही थी, यही हो रहा था। अच्छा, हम देख रहे थे क्या हो रहा था। जिस तरह से तुम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे ना, अयान तुम्हें कहीं उससे तुम जानते हो ना कि दिशा कौन है? दिशा की हैसियत में और हमारी हैसियत में कितना फर्क है? इसमें हैसियत कहां से आ गई? जहां तक मैं जानता हूं दिशा राम सर की बेटी है। हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारा बेटा
एक होनहार वकील है। अगर दिशा हमारे बेटे से प्यार करती भी है तो भूल गई क्या? अन्नू मैडम भी एक किसी गरीब से प्यार करती थी। आप लोग ये क्या बातें किए जा रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे और दिशा जी के बीच में प्यार प्यार का कोई चक्कर नहीं है। और मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, आप प्लीज मुझे खिलाइए कुछ। चलिए। आपको क्या लगता है, कुछ चल रहा है इन दोनों के बीच? देखो, अगर चल भी रहा है ना तो मुझे कोई इतराज नहीं है। सोचना मन करो, खाने लगाओ। मरवाएंगे आप लोग एक दिन। खाना अगर आप बनाने वाली है तो मिर्ची थोड़ा कम डालेगा। अब तुम मुझे बताओ, मुझे बताओ कि खाना कैसे बनाया जाता है। अरे बिल्कुल, अरे बिल्कुल, गुरु के गुरु शेफ गुरु आयन मेरा की टिप्स ना बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये जो तुम इतने बड़े शेफ बन रहे हो, कुछ बनाकर दिखाओ। क्या हुआ, मुस्कुरा रही हो? मैं ना आयान, दिशा और आरू के बारे में सोच रही। सच रहा, आज इतने दिनों बाद ना हमारे घर में खुशियां लौट आई। आज बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड गुड फन। आज बहुत दिनों के बाद इतना मजा आया, सब कुछ अच्छा लगा। वैसे राम, तुम्हें एक बात पूछूं, तुम्हें अयान कैसे लगता है? ये भी कोई पूछने की बात है? अरे यार, अयान तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। मतलब अगर आज उसने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं आज भी जेल में सड़ रहा होता। मैं तो ये भी कह सकता हूं कि उसने मुझे एक नई जिंदगी दी। आई कंप्लीटली अग्री कि अयान आयान बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत प्यारा लड़का है। वैसे एक बात बताओ, आयान और दिशा की जोड़ी कैसी रहेगी? क्या वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते? अरे नहीं नहीं, मैं बस ऐसे ही सोच रही थी, दोनों को एक दूसरे के साथ देखकर सच में बहुत प्यारे लगते ना एक दूसरे के साथ, है ना? क्या यार, तुम भी कुछ भी बोलती हो यार, डरा दिया मुझे। क्यों, कुछ भी क्या बोल रही हो? वैसे एक बात बता, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना अगर दिशा को आयान से प्यार हो गया तो? तू पागल हो गई हो क्या? दिशा अभी बच्ची है। बच्ची बच्ची नहीं है, 18 साल की होने वाली है आपकी बेटी। और वैसे भी इसी उम्र में प्यार व्यार शुरू होता है। अच्छा एक बात बता, जब अनु को तुमसे प्यार हुआ था तो वो कितने साल की थी? एक मिनट, ये आयान दिशा को पसंद करता है क्या? मुझे नहीं पता पसंद करता है या नहीं, लेकिन मैं होप कर रही कि दोनों एक दूसरे को पसंद करें। बहुत प्यारे लगते हैं दोनों साथ। अगर तुम आयान के फादर इन लॉ हो गए समझो, तो तुम कैसे फादर इन लॉ होगे? मिस्टर कपूर की तरह खड़ूस? यार आयान बहुत अच्छा लड़का है, ओके? तो मैं मिस्टर कपूर की तरह क्यों पेश आऊंगा? दिशा आयान को पसंद करती है या करेगी, अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आयान ने दिशा का दिल दुखाया तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। अरे अरे अरे, मुंह तोड़ने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर वो तुम्हारा सन इन लॉ हो गया तो बिना दांतों वाला सन इन लॉ कैसा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा ना? हाँ, फिर मैं उसका मुंह नहीं तोड़ूंगा। गुड। थकने की कोशिश करता है, चिप करती हूँ तुझे, एक लगा के देती हूँ। चोरी कर रहा था। Thank you.
वैसे दिशा जी, वैसे दिशा जी, कल जो आपने मेरे सर पे डंडा मारा, डंडा मारा है, मेरा सर ऐसा घूम रहा है ना, खाती क्या है आप? ये मदहोश करने वाली खुशबू इसकी आ रही है? पर ये खीर दिशा जी बना रही है, आपको कुकिंग भी आती है? जब तुम्हारे वकील बनने से, केस लड़ने से मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही है, तो मेरे खाना बनाने से तुम्हें इतनी हैरानी क्यों हो रही है? मैंने तुमसे पैसे इसलिए नहीं दिए क्योंकि एक बेटे की लड़ाई है जो मैं अपने दम पे लड़ना चाहती हूँ। यस आयान, काजल आप पे सूट नहीं कर रहा है। ये क्या बदतमीजी है? और आने से पहले नॉक क्यों नहीं किया तुमने? बदतमीजी? मैंने तो आने से पहले नॉक किया था। आपको अपने आप को देखने से फुर्सत मिले तब ना। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और मुझे तो कोई नॉक वॉक नहीं सुनाई दिया। नॉक नहीं सुनाई दिया? नहीं तो खानों में प्रॉब्लम? लेकिन आपको देख के लगता नहीं है कि आपको बहरेपन की शिकायत है? वैसे आज आप ठीक ठाक लग रही है, तो अपने आप को देखना तो बनता है, देख लीजिए। Hey, listen, mind your language. अरे, आपकी तारीफ कर रहा हूँ यार। क्यों? मतलब क्यों? क्यों तारीफ कर रहे हो मेरी? ठीक है, नहीं करता। दिशा जी, आज पता है आप एकदम अगली लग रही हैं, एकदम खुशहाल बुढ़िया लग रही हैं। What? हाँ, और नहीं तो क्या? नाक देखिए अपनी, एकदम टेढ़ी नाक है आपकी, और कान मुर्गो जैसे, आंखें एक साथ दो दिशाओं में देखती हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। एक बात बोलूं, इसकी वजह से आप सिंगल? मुझे तो तरस आता है उस लड़के पर जो आपका लाइफ पार्टनर बनेगा। बेचारा क्या सोचता होगा कि कैसी बोरिंग लड़की से पाला पड़ा। भगवान को बोलेगा, हे भगवान क्या करूं? और भगवान पता क्या बोलेंगे? झेलो इस बोरिंग लड़की को। जस्ट शट अप यार, तुम्हें लड़कियों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है। दिशा जी, I'm really sorry. आयान, please जाओ यहाँ से। Just leave me alone. दिशा जी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। आप जानती हैं मुझे, I didn't really mean it. Really sorry. Please आप रोइए मत। मुझे पापा के पास जाने के लिए लेट हो रहा है और तुम्हें मुझे छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। I'll manage. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.